नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 तरुण रिनायत के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जिला अस्पताल की लापरवाही ने ली फिर एक जान। डिलीवरी कराने आई गर्भवती महिला की गलत इंजेक्शन लगाने से हुई मौत। परिजनों ने ट्रामा सेंटर में मचाया हंगामा। बॉलीवुड के बैडमैन खलनायक गुलशन ग्रोवर का 9 अक्टूबर को वाराणसी में होगा आगमन। सिविल क्लब ग्राउंड वाराणसी में रंगारंग ऑर्केस्ट्रा का आयोजन। मुख्यमंत्री कल्याण जनसेवा शिविर में भी हितग्राहियों को नहीं मिल रहा शासकीय योजनाओं का लाभ। जनप्रतिनिधि कह रहे नियम जटिल होने से जनता हो रही योजनाओं के लाभ से वंचित। जिला स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में वाराणसी कॉलेज की टीम रही विजेता। जिला स्तरीय कराते प्रतियोगिता में 40 कराते खिलाड़ियों ने पाया प्रथम स्थान। नौ अक्टूबर को जिले भर में धूमधाम से मनाया जाएगा जश्न ईद मिलादुन्नबी का पावन पर्व। मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में की गई आकर्षक सजावट, निकलेगा जुलूस ए मोहम्मदी। शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और लाखों करोड़ों की लागत से सड़कें बनवाई जा रही है, लेकिन अधिकारियों द्वारा सड़क निर्माण में सही तरीके से ध्यान नहीं दिए जाने के कारण सड़कें निर्धारित अवधि तक नहीं टिकते हुए कुछ ही महीनों में उखड़ रही है। ऐसा ही एक मामला नगर मुख्यालय से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत नवेगांव से लिंगा रोड की सड़क का सामने आया है। यहां प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 7,31,00,000 की लागत से डामरीकरण सड़क निर्माण किया गया, लेकिन वह सड़क कुछ महीनों में ही गड्ढों में तब्दील हो गई है। आपको बताएं कि इस सड़क के निर्माण के लिए क्षेत्रीय लोगों द्वारा पिछले कई वर्षों से मांग उठाई जा रही थी, क्योंकि यहां की सड़क बहुत ज्यादा जर्जर स्थिति में पहुँच गई थी। गड्ढों के कारण एक्सीडेंट हो रहे थे, उससे परेशान होकर लोगों द्वारा सड़क के लिए मांग जिला प्रशासन से लेकर बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों तक भी गुहार लगाई गई थी। बड़ी मुश्किल से यह सड़क स्वीकृत हुई, लेकिन विभागीय उदासीनता के कारण क्षेत्रवासी महज 4 माह तक ही अच्छा सफर कर पाए। अब यह सड़क लोगों के लिए परेशानी का कारण बनते जा रही है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने बताया कि उनके द्वारा इस सड़क के निर्माण के लिए कई बार आवाज उठाई गई थी, तब जाकर यह सड़क स्वीकृत हुई थी, लेकिन हैवी लोडेड वाहनों की आवाजाही के कारण सड़क कुछ माह में ही ध्वस्त हो गई और जगह जगह गड्ढे निर्मित हो गए। इस सड़क में घटनाएं होते जा रही है, कुछ ही माह में सड़क खराब हो जाना है। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही ही कहा जाएगा। सड़क निर्माण से लेकर आगे भी अधिकारियों द्वारा ध्यान दिया जाना था। इस सड़क को अच्छे से बनाया जाए, यही क्षेत्रवासियों की मांग है। इसकी शिकायत जिला प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से भी की जा चुकी है। पहले बात, जिस समय इस रोड का निर्माण हुआ, ठेकेदार के द्वारा जो रोड बनाई गई पर बरसात में बनाई गई, जिससे काफ़ी जो रोड पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि नमी के कारण और यहां से भारी वाहन भी अधिकांश चलते हैं और रोड कहीं कहीं से जो फूट गई है, जिस कारण काफ़ी इस रोड में एक्सीडेंट भी हुआ है। अभी 2 दिन पूर्व ही नाला किनारे में जो गिट्टी डाली गई थी, उसमें वहाँ 2 एक्सीडेंट पहले हो चुके हैं। तो गिट्टी का लेबल मिलाया गया है JCB से। मैं शासन से मेरा निवेदन अनुरोध है कि वह अतिशीघ्र इस रोड का पूर्ण मरम्मत। लापरवाही है शासन की, बोलो चाहे प्रशासन की बोलो, और जो रोड बनी है शायद उसमें भी लापरवाही है। और जो हमारे यहाँ मील बनी हुई है लहतरा में नवेगांव से लेकर लिंगा तक, और जो भारी वाहन चल रहे हैं, जबकि रोड की क्षमता है 20 टन 18 टन लगभग, लेकिन अभी मैंने 2 दिन पूर्व ही एक ट्रक रोका था जिसकी क्षमता 30 टन थी। तो ये ज़रूरत से ज़्यादा भारी वाहन चलने की वजह से रोड खराब हो रही है। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ये जितने मील मालिक हैं उनके ऊपर और उचित जांच होनी चाहिए, क्योंकि रोड बहुत महंगी बनी है और बार बार रोड नहीं बनती है। लगभग 7-8 सालों बाद रोड बनी है और 3 महीने में ये रोड खराब हुई। कौन से विभाग के द्वारा बनाया गया था? प्रधानमंत्री योजना के, प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बनाई गई,
और करोड़ों रुपए की लागत से रोड बनी है। तो आपने कभी विभाग को अवगत नहीं कराया क्या? एक बार विभाग को अवगत करा दिया हूँ, कलेक्टर साहब को मैंने आवेदन भी दिया हूँ और मंगलवार के दिन और एक बार सभी मिल मालिकों के नाम से और आवेदन भी दिया। वहीं इसके संबंध में चर्चा करने पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के SDO आबिद खान ने बताया कि इस रोड में अधिक लोडेड वाहन जाने के कारण 300 से 400 मीटर की दूरी में गड्ढे हो गए हैं। इस वर्ष बरसात बहुत ज्यादा हुई, साथ ही क्षमता से कहीं अधिक लोडेड वाहन से सड़क क्षतिग्रस्त हुई है। जैसे ही बरसात खत्म होगी सबसे पहले उस रोड को ठीक करवाया जाएगा। कुछ हिस्सों में सड़क टूट फूट गया, गड्ढे से हो गए, क्या कार्रवाई की जा रही है? कुछ हिस्सों में नहीं, 0 से 300 से 400 मीटर के बीच में जहाँ मिल बनी हुई है और धर्म काटा है, अत्यधिक बारिश हुई, बरसात बहुत ज़्यादा हुई, आप भी जानते हैं बालाघाट पूरी ज़िले में, उसमें और वहाँ धर्म काटा में 70-80 टन तक के वहाँ वाहन गए हैं, ये आपको भी मालूम होगा। तो वहीं उन्होंने खड़े करके वहीं रिवर्स लिए तुरंत गिरते पानी में, इस कारण कुछ जगह पेंच बन गए दो चार। अभी जस्ट हम जैसे ही बारिश ख़त्म होती है उसको बनवा देंगे, बाकी पूरा रोड हमारा बढ़िया है, कहीं कुछ नहीं हुआ है और आवागम सुचारू रूप से चल रहा है। और सिर्फ मात्र ये 300-400 मीटर के जो है यहाँ पर जो है दो तीन बड़े पेंच बन गए हैं, जिसको हमने गिट्टी से भरवा भी दिया WMM से, मगर चूंकि डेली ट्रैफिक निकल रहा है तो गिट्टी डिस्टर्ब हो रही है। अभी जैसे ही बरसात ख़त्म हो जाती है और प्लांट चालू होता है सबसे पहले उसे करवा के दुरुस्त कर लेंगे। अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं के कारण लोगों का आक्रोश सामने आते ही रहता है। शुक्रवार की रात्रि में किन्नापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम नेत्रा हिर्री निवासी 25 वर्षीय महिला रितु पति कैलाश मेश्राम की मृत्यु हो गई। बिना प्रसूति ऑपरेशन किए महिला की मृत्यु अचानक हो जाने से परिजनों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त हो गया है और उनके द्वारा अस्पताल प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए जिला अस्पताल की व्यवस्थाएँ सुधारे जाने की मांग की गई है। परिजनों का कहना था कि महिला चिकित्सक द्वारा प्रसूति ऑपरेशन कराने के पूर्व जैसे ही इंजेक्शन लगाया गया महिला का स्वास्थ्य बिगड़ गया और उसके कुछ देर बाद ही महिला की मृत्यु हो गई, जो कहीं ना कहीं लोगों के मन में संदेह को उत्पन्न कर रहा है। इसका सीधा आशय यह है कि लोगों का कहना था कि महिला को गलत इंजेक्शन लगा दिया गया जिसके कारण उसकी मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार निवारा हिर्री निवासी महिला रितु मेश्राम की यह सेकेंड डिलीवरी थी। प्रसूति कराने के लिए उसे जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में शुक्रवार की सुबह करीब 9:30 बजे लाकर भर्ती किया गया था। परिजनों द्वारा दोपहर में करीब 2 बजे उक्त महिला को डॉक्टर गीता बारमाटे के प्राइवेट क्लिनिक में ले जाया गया, जहां चेक कराने पर डॉक्टर द्वारा उन्हें कहा गया था कि महिला का ऑपरेशन रात में किया जाएगा। रात्रि में करीब 9:30 बजे इनके ऑपरेशन को लेकर वहां पदस्थ नर्स स्टाफ में कुछ चर्चा हो गई थी। 4 से 5 प्रसूति ऑपरेशन कराने के बाद इनका नंबर लगा। वहीं रात्रि करीब 11 बजे उन्हें बताया गया कि महिला की मौत हो चुकी है। यह सुनते ही वहां मौजूद महिला के परिजन रिश्तेदार सभी आक्रोशित हो उठे। महिला के परिजनों में इस बात का जिक्र रहा कि रितु मेश्राम को गलत इंजेक्शन लगाने के कारण मृत्यु हुई है। इसकी शिकायत उनके द्वारा 181 नंबर डायल कर CM हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज कराई गई तथा 100 डायल में फ़ोन कर पुलिस को बुलाया गया। परिजनों का कहना था कि इसकी जांच होनी चाहिए तथा कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई भी किया जाना चाहिए। परिजनों द्वारा ट्रामा सेंटर परिसर में सामने शव को रखकर डॉक्टर गीता बारमाटे के खिलाफ रोष जाहिर करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। लोगों के द्वारा हंगामा किए जाने की जानकारी लगते ही सिविल सर्जन संजय दबड़गांव मौके पर पहुंचे, साथ ही कोतवाली थाने से पुलिस कर्मचारी भी आ गए थे, जिनके द्वारा दी गई समझाइश के बाद परिजनों का आक्रोश शांत हुआ और महिला के शव को रात्रि में ही करीब 2 बजे अपने गृहग्राम निवारा ले जाया गया। वहीं इस मामले के संबंध में चर्चा करने पर मौके पर मौजूद सिविल सर्जन डॉक्टर संजय दबड़गांव ने बताया कि रात्रि में ही उन्हें करीब 11:30 बजे डॉक्टर बारमाटे का फोन आया था कि कोई महिला प्रसूति के लिए भर्ती हुई है, उसको ऑपरेशन के लिए ले गए थे लेकिन अचानक महिला का ब्लड प्रेशर बढ़ गया तथा लंग्स में कुछ समस्या आ गई जिसके कारण महिला का ऑपरेशन नहीं कराया जा सका। और महिला द्वारा यह भी बताया गया कि उनके द्वारा काफ़ी कोशिश की गई लेकिन महिला की प्रसूति नहीं हो पाई। जहाँ तक परिजनों का आरोप है कि यहाँ पैसे लिए जाते हैं तो हमारे द्वारा अस्पताल व ट्रामा सेंटर में साफ तौर पर लिख दिया गया है कि किसी को पैसे नहीं देना है, रिश्वत लेने की बात लिखित में देते हैं तो कार्रवाई की जाएगी लेकिन लिखित में शिकायत कोई नहीं करते। कुछ
तकरीबन 11:30 बजे मैं उसको डॉक्टर बारमाटे का फोन आया था कि एक कोई महिला जो है प्रसूति के लिए भर्ती हुई है, उसको ऑपरेशन के लिए ले रहे थे, लेकिन कुछ अचानक उसका बीपी फॉल हो गया, लंग्स में कोई कॉम्प्लिकेशंस आ गए, तो वो लोग ऑपरेशन तो नहीं कर पाए। डॉक्टर मेशराम जो थे एनेस्थीशिया वाले वो भी थे वहाँ पे, उन्होंने उसको इंट्यूबेट भी किया और काफ़ी देर तक कोशिश करते रहे। फिर उनका फ़ोन आया कि हम उसको कोशिश कर रहे थे लेकिन सर्वाइव नहीं कर पाए, तो मतलब ऑपरेशन भी नहीं कर पाए, उसका डिलीवरी भी नहीं हो पाई। जी सर, यहाँ पर परिजन आरोप लगा रहे हैं कि कुछ रिश्वत लेते हुए भी यहाँ पर कुछ बातें आती है सामने में, तो उसका क्या कहना है? देखिए ऐसा है, हर जगह हमने यहाँ पे लिख के भी रखा हुआ है, हमारे फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं, रिश्वत लेने के पहले अगर वो हमें बताते फ़ोन करके तो फिर मैं कोई कार्रवाई करता। अभी भी वो ले रहे हैं करके, चूँकि डेथ हो गई इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं, और अगर रिश्वत लेते हैं तो वो लिखित, मैंने तो उनको बोला कि आप लिखित में दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे उसके लिए। वारासिवनी दक्षिण सामान्य वन मंडल वन परिक्षेत्र वारासिवनी कार्यालय अंतर्गत ग्राम कनकी से वन विभाग ने एक 35 वर्षीय व्यक्ति को वन्य प्राणी चीतल के शिकार के आरोप में कच्चे मांस के साथ गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। उक्त प्रकरण में वन विभाग के द्वारा 5 व्यक्तियों के खिलाफ वन संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें 35 वर्षीय राजू कंगाली को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 4 आरोपी फरार हैं जिनकी सरगर्मी से पतासाजी की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वन विभाग का अमला वन क्षेत्र में सघनता के साथ निगरानी में लगा हुआ था। ऐसे दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि कनकी के जंगलों में कुछ व्यक्ति द्वारा वन प्राणी चीतल का शिकार कर उसके मांस का बंटवारा किया गया है, जिस पर वन अमला उच्च अधिकारियों के निर्देश पर ग्राम कनकी में पहुंचकर मामले की जांच शुरू की, जिसमें वन अमले ने राजू पिता साधुराम कंगाली उम्र 35 वर्ष निवासी कनकी के मकान से करीब 0.5 किलो वन प्राणी चीतल का कच्चा मांस बरामद कर गिरफ्तार किया। वहीं एक अन्य आरोपी के मकान से चीतल के खून के धब्बे से भरा गंज एवं पन्नी बरामद की, जिस पर उन्होंने राजू बंगाली को गिरफ्तार कर वन विभाग लेकर आए और पूछताछ की गई, जिसमें उसके द्वारा शिकार में सम्मिलित 4 अन्य व्यक्ति झनकलाल पिता मेहतर गार पगारी, सुखराम पिता सुधेलाल कंगाली, पंकज पिता राजू सिवने, भानु पिता चैन सिंह मड़ावी का नाम बताया गया, जिनका वन अमले के द्वारा सरगर्मी से पतासाजी की जा रही है, परंतु वर्तमान तक उक्त 4 आरोपी फरार हैं। वन अमले ने शनिवार को 5 आरोपियों के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2, 9, 39, 48A, 49, 50 51 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया है। वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशानुसार सूचना मिली थी कि ग्राम कनकी में वन्य प्राणी सामर का चीतल का शिकार हुआ है, जिसमें मतलब कुछ मांस की खरीदी बिक्री चल रही है, तो तत्काल हमारा वन अमला मौका स्थल पर पहुंचे, जिसमें मौका स्थल पर एक व्यक्ति के यहाँ से मांस, एक व्यक्ति के यहाँ से मतलब खून से सने हुए बर्तन और खून से सनी हुई पन्नी और डॉग स्क्वाड की मदद भी ली गई इसमें, तो जिसमें कि मतलब एक आरोपी गिरफ्त में ले लिया गया। नगर के कालीपुतली चौक स्थित पेट्रोल पंप के सामने मोची की दुकान में चप्पल और बैग की चैन ठीक करवाने आई महिलाओं के बैग से करीब 60,000 रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी 800 रुपए गायब हो गए। यह घटना 7 अक्टूबर की शाम करीब 5:30 बजे हुई। इस महिला द्वारा कोतवाली में की गई शिकायत पर दुकान के मोची से कोतवाली पुलिस ने पूछताछ शुरू की है, किंतु अभी कोतवाली पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की जांच की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह महिला लालबर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम खोंगा टोला की रहने वाली है, जिसका मायका ग्राम नेत्रा का है। 2 दिन पहले यह महिला अपने मायके नेत्रा आई हुई थी और 7 अक्टूबर को दोपहर में यह महिला अपनी भाभी के साथ बैग में सोने के मंगलसूत्र और टॉप्स लेकर बालाघाट आई थी और मेन रोड स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान में सुनार के पास अपने जेवरात ठीक करवाने के बाद जेवरात को बैग में रखकर दुकान से निकली थी और यह महिला अपनी भाभी के साथ पैदल ही कालीपुतली चौक पहुंची। उस समय शाम करीब 5:30 बजे थे। कालीपुतली चौक स्थित पेट्रोल पंप के सामने मोची की दुकान में इस महिला की भाभी ने बच्चों के चप्पल और अपने चप्पल ठीक कराने दी थी। उसके बाद यह महिला मोची की दुकान में ही बैठी रही और उनकी भाभी भी इसी दुकान के सामने गुल्लक खरीदने चली गई थी। तभी इस महिला ने अपने बैग की चैन ठीक कराने के लिए मोची को बैग दी थी। जब मोची बैग की चैन ठीक कर रहा था, उस समय महिला को किसी रिश्तेदार का फोन आने से महिला बात करने चली गई थी और यह महिला अपनी भाभी के साथ कोसमी में अपने किसी परिचित की कपड़े की दुकान में पहुंचे थे
और वहां साड़ी खरीदने के दौरान जब महिला ने अपने बैग का चैन खोलकर देखा तो बैग में उसके सोने का मंगलसूत्र और टॉप्स के अलावा 800 रुपए नहीं थे। बैग में खोजबीन करने के बाद मंगलसूत्र, टॉप्स और 800 रुपए नहीं मिलने पर महिला और उसकी भाभी को मोची पर शक हुआ और उन्होंने अपने परिजनों को घटना के संबंध में जानकारी दी। परिजनों के आने के बाद यह महिला और उसकी भाभी कोतवाली शिकायत करने पहुंची। कोतवाली पुलिस ने 8 अक्टूबर को मोची को थाने लाकर पूछताछ की है। अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बैग से जेवरात और नकदी रुपए मोची की दुकान से ही गायब हुए हैं या नहीं। कोतवाली पुलिस द्वारा नगर में उक्त दोनों महिला जहां जहां गई है और मेन रोड होते हुए मोची की दुकान पहुंची, उस रोड पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। नियम के अनुसार क्लिनिक का संचालन न होने, रिकॉर्ड का संधारण न होने, क्लिनिक संचालन हेतु आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध न कराने और क्लिनिक संचालन में विभिन्न प्रकार की खामियां मिलने पर नगर के वार्ड नंबर 28 प्रेम नगर संचालित डॉक्टर रोहित सचदेवा हेल्थ केयर क्लिनिक का लाइसेंस अस्थायी तौर पर रद्द कर दिया गया है। जहां जिला स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर क्लिनिक के संचालक डॉक्टर रोहित सचदेव को 15 दिनों की मोहलत देते हुए सभी कमियों को पूरा करने और मांगे गए सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए आगामी 15 दिनों तक क्लिनिक बंद रखने के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि यदि इन 15 दिनों के भीतर यदि डॉक्टर रोहित सचदेव मांगी गई जानकारी, वैध दस्तावेज और नियम अनुसार क्लिनिक संचालन संबंधी कार्य पूरा नहीं करते हैं और 15 दिनों के भीतर क्लिनिक खोलकर मरीजों की जांच करते पाए जाते हैं तो फिर उनकी क्लिनिक हमेशा के लिए सील बंद कर दिया जाएगा। उक्त आदेश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं। आपको बताएं कि नगर के प्रेमनगर में संचालित डॉक्टर रोहित सचदेव क्लिनिक एवं पैथोलॉजी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब विभागीय टीम 24 अक्टूबर को जाँच करने के लिए पहुंची थी। इस दौरान विभागीय टीम ने डॉक्टर रोहित सचदेव की क्लिनिक और पैथोलॉजी की जाँच पड़ताल की थी। वहीं क्लिनिक और पैथोलॉजी संचालित करने संबंधित दस्तावेज तलब किए गए थे, जहां जांच के दौरान जांच टीम को कई जगह खामियां मिली। वहीं नियम के विरुद्ध क्लिनिक का संचालन किए जाने की बात सामने आई थी, जिस पर संचालन टीम ने डॉक्टर रोहित सचदेव से क्लिनिक एवं पैथोलॉजी संबंधित दस्तावेज मांगे थे, जिसे क्लिनिक संचालक उपलब्ध नहीं करा पाए थे, जिस पर जांच टीम ने वहीं मौके स्थल पर जांच प्रतिवेदन एवं पंचनामा कार्रवाई कर सीएचएमओ को जांच रिपोर्ट प्रेषित की थी। जांच के दौरान जांच अधिकारी डॉक्टर आशुतोष बांगरे, सीएचएमओ कार्यालय पदस्थ बाबू अकरम खान सहित अन्य प्रमुख रूप से उपस्थित थे। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन पर जांच की यह बात कही थी। वहीं आगे की कार्यवाही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा की जाने की बात कही गई थी, जिनके जांच प्रतिवेदन पर विचार करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने डॉक्टर रोहित सचदेव क्लिनिक का लाइसेंस अस्थायी तौर पर रद्द कर दिया है। वहीं 15 दिनों के लिए क्लिनिक एवं पैथोलॉजी बंद करने के निर्देश जारी करते हुए 15 दिनों के भीतर वैध दस्तावेज सहित अन्य जानकारियां उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। वहीं इस मामले में दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि रिकॉर्ड का संधारण न करने और नियमों का पालन न करने के चलते डॉक्टर रोहित सचदेव क्लिनिक का लाइसेंस अस्थायी तौर पर रद्द कर दिया गया है। जो मरीज क्लिनिक में आते हैं उनकी जानकारी, टेस्ट की रिपोर्ट की कॉपी सहित ऐसे कई बिंदु हैं जिन पर जांच टीम संतुष्ट नहीं हो पाई, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है और यह कार्रवाई अन्य क्लिनिक में भी नियमित तौर पर चलती रहेगी। क्लिनिक संचालक डॉक्टर रोहित सचदेव को 15 दिनों की मोहलत दी गई है। यदि इन 15 दिनों के भीतर वह मांगे गए आवश्यक दस्तावेज नियमानुसार क्लिनिक संचालन की जानकारी उपलब्ध करा देते हैं तो ठीक है, यदि जानकारी नहीं देते हैं या इन 15 दिनों के भीतर क्लिनिक खोलकर किसी भी मरीज की जांच करते हुए पाए जाते हैं तो फिर क्लिनिक की हमेशा के लिए सीलबंद की कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम समनापुर में एक पुराने मकान की दीवार गिरने से एक महिला के दबने से घायल हो गई। घायल महिला श्रीमती सुशीला बाई पति तुलसीराम रामटे के उम्र 40 वर्ष ग्राम समनापुर निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुशीला बाई अपने परिवार के साथ मजदूरी करती है। बताया गया है कि सुशीला बाई का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान स्वीकृत हुआ है और नया मकान बनाने के लिए उन्होंने पुराना मकान को तोड़ दिया था और कुछ दीवारें गिरना बाकी थी। 8 अक्टूबर को करीब 2 बजे जब सुशीला बाई अपने पुराने मकान में कुछ काम कर रही थी तभी अचानक पुराने मकान की दीवार गिर गई और सुशीला बाई दीवार के मलबे में दब गई। उसके चिल्लाने पर परिवार के लोग दौड़े और दीवार का मलबा हटाकर सुशीला बाई को बाहर निकाले।
108 एम्बुलेंस से सुशीला बाई को जिला अस्पताल बालाघाट में लाकर भर्ती किया गया है। लालबरा नगर मुख्यालय के मजार समीप स्थित लॉन में आम आदमी पार्टी के 8 अक्टूबर को जनसंवाद कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम आम आदमी पार्टी के विधानसभा कोऑर्डिनेटर अरविंद चौधरी, विधानसभा प्रभारी शिव जायसवाल, जिला उपाध्यक्ष रामचंद सिहोरे व अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में प्रारंभ हुआ। वहीं इस अवसर पर उपस्थित पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी की नीति रीति से अवगत करवाकर सभी को संगठित होकर पार्टी के हित में काम करने की बात कही एवं अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने कहा गया। आम आदमी पार्टी विधानसभा कोऑर्डिनेटर अरविंद चौधरी ने बताया कि पार्टी का पूरे प्रदेश के समस्त जिलों व विधानसभा क्षेत्रों में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में लालबर्रा में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन कर पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश देकर गाँव गाँव में संगठन का गठन कर अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने को कहा गया है। जिस तरह से दिल्ली व पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, उसी तरह 2023 में मध्य प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। जिला शिक्षा विभाग के द्वारा शनिवार को साले शिक्षा स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नगर के उत्कृष्ट विद्यालय हॉल में आयोजित इस प्रतियोगिता में 14 से 19 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं ने भाग लिया है। नगर के उत्कृष्ट विद्यालय हॉल में आयोजित इस प्रतियोगिता में 14 से 19 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं ने भाग लिया। जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय, जिला क्रीड़ा अधिकारी दीपक गिरी गोस्वामी के मार्गदर्शन में आयोजित की गई इस प्रतियोगिता में सब जूनियर वर्ग के 24 तो वहीं जूनियर वर्ग के 10 बालक बालिकाओं ने अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा सीनियर वर्ग में 5 बालक बालिकाओं ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट विद्यालय प्राचार्य लक्ष्मीचंद मानवटकर, MLB स्कूल क्रीडा प्रभारी श्रीमती कंचन महाजन, श्रीमती गुप्ता मैडम, प्रतियोगिता निर्णायक कृष्णदास गोंदुड़े, गणेश बोपचे, लकी मरावी सहित अन्य लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। वहीं इस दौरान जिला क्रीड़ा अधिकारी दीपक गिरी गोस्वामी ने बताया कि जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन उत्कृष्ट विद्यालय में किया गया है, जिसमें 14 से 19 आयु वर्ग के बच्चे शामिल हैं। आज जिन बच्चों का चयन उत्कृष्ट खेल के आधार पर किया गया है, वे सभी बच्चे 17 अक्टूबर को बालाघाट उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इसी प्रतियोगिता में जो बच्चे चयनित होंगे उन्हें 29 अक्टूबर को रतलाम में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए भेजा जाएगा। वारासुनी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत सावंगी के वारासुनी कटंगी मार्ग स्थित टोला पर 8 अक्टूबर को ट्रैक्टर ट्रॉली से मुरम अनलोड करने के दौरान ट्रैक्टर का मुंडा खड़ा होकर पलट गया, जिसकी चपेट में आने से 25 वर्षीय युवक संजू पिता सुखराम ठाकरे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत सावंगी निवासी गंगा प्रसाद रहंगडाली का ट्रैक्टर ग्राम के ही 25 वर्षीय युवक संजू पिता सुखराम ठाकरे चलाता था, जो रोजाना ट्रैक्टर से मुरुम ईंट सहित अन्य वस्तुओं का परिवहन करता था। इसी कड़ी में 8 अक्टूबर की दोपहर में संजू ठाकरे उक्त ट्रैक्टर से मुरुम लेकर ग्राम के अन्य व्यक्ति के घर डालने के लिए गया हुआ था, जहाँ पर उसने ट्रैक्टर उतारा। ट्रैक्टर ट्राली से मुरुम खाली करने के लिए ट्रैक्टर आगे पीछे कर रहा था, तभी ट्रैक्टर का मुंडा खड़ा हो गया, जिसके बाद ट्रैक्टर के मुंडे और ट्राली के बीच की कड़ी टूट गई और खड़ा मुंडा पलट गया, जिसमें मुंडा और ट्राली के बीच में आने से घटना स्थल पर ही संजू की मौत हो गई, जिस पर आस पड़ोस के लोगों ने दौड़कर उन दोनों के बीच फंसे संजू को बाहर निकाला, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि संजू की मौत हो गई थी, जिसकी सूचना तत्काल ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को दी गई। सूचना पर पुलिस उप निरीक्षक योगेंद्र सिंह चौहान घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को अपनी अभिरक्षा में लेकर आवश्यक पंचनामा कार्रवाई करने के उपरांत पोस्टमार्टम गृह पहुंचे, जहां पर शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है और उक्त मामले की पुलिस जांच में लिया है। वो ड्रावर अब नहीं था, मतलब हेल्पर था, ड्रावर अब दूसरा था इसका, तो हेल्पर चला रहा था, तो वो क्या है मतलब मुरुम खाली मतलब कर रहा था, तो वो गाड़ी काटते काटते मतलब मुंडा उड़ गया। तो उसके बाद में जो ताली का मतलब वो गुटका है तो वो टूट गया, और उसके बाद में वो स्टेयरिंग में
दब गया। कितने बजे की घटना है ये? 12 और 1 के बीच की बात है। डेथ हो गई उसकी? हाँ डेथ हो गई, इस पार्ट में डेट हो गई उसकी। क्या नाम था उसका? संजू लाल ठाकरे। सर एक मर्ग की घटना हुई है, क्या जानकारी है और अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? हाँ, इसमें विजय पिता सुखराम ठाकरे निवासी सांगी ने मर्ग इंटीमेशन लेकर कराया है कि उसका भाई संजय, जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष है, जो गांव के दूसरे व्यक्ति का ट्रैक्टर चलाता था, ट्रैक्टर मुरुम लेकर के ट्रैक्टर से मुरुम खाली कर रहा था, उसी दौरान ट्रॉली का जो गुल्ला होता है जो ट्रैक्टर से अटैच रहता है वह टूट गया, जिसके कारण जो है ट्रॉली और ट्रैक्टर के बीच में वो दब गया, दबने से उसकी मृत्यु हो गई। क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी मर्ग जांच है, मर्ग जांच के बाद में जो है जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।